जापान जूडो के लिए, कोरिया टाइक्वांडो के लिए, मलेशिया सेपक टाइक्वांडो के लिए, चाइना वुशू के लिए, अपने अपने खेलों के लिए हर देश आगे कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश आज तक कहीं हुई नहीं थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्णय लेकर स्पोर्ट्स कोटे के तहत सरकारी नौकरियों के लिए 20 नए खेलों को मान्यता प्रदान की। इससे पहले उस सूची में 43 खेल शामिल थे और 2013 से यह सूची बदली नहीं गई थी। सरकार के इस नए निर्णय के कारण अब भारतीय खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। इस बार बेसबॉल और ट्रायथलॉन जैसे आधुनिक खेलों के साथ साथ भारत सरकार ने एक भारतीय प्राचीन खेल मल्लखांब को भी इस सूची में शामिल किया है। नमस्ते, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। मल्लखांब एक अपनी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है और इतने साल ये परिस्थिति थी कि मल्लखांब करने के बाद मुझे क्या मिला, न कहीं नौकरी मिलती है, न प्रसिद्धि मिलती है, न पैसा मिलता है। आज ये गवर्नमेंट ने जो अच्छा एक डिसीजन लिया है कि मल्लखांब के खिलाड़ियों को भी जो सी क्लास में नौकरियां उपलब्ध हैं उसमें उनका विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र शासन ने भी, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे, तो ये निर्णय लिया था कि 5% जो स्पोर्ट्समैन के लिए कोटा है उसमें मल्लखांब खिलाड़ियों का भी विचार किया जाएगा। आज केंद्र शासन ने ये किया है तो हर एक राज्य में जहां जहां केंद्र शासन की नौकरियां उपलब्ध है वहां मल्लखांब खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिलेगा। इसके लिए मैं इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते, 1, 2, 3, 4, 1, 2, सलाम, 1, 2, अप, एक कदम पीछे। मल्लखांब भारत की एक अति प्राचीन विरासत है जिसकी परंपरा रामायण और महाभारत काल से चलती आ रही है। मल्लपुराण नामक ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं मल्ल विद्या की दीक्षा देते हुए कुल 16 प्रकार के कसरतों का उल्लेख करते हैं, जिसमें से एक है स्तंभाश्रम, जिसका आधुनिक स्वरूप मल्लखांब के नाम से जाना जाता है। जब दूसरे बाजीराव पेशवा के जमाने में बालूम भट्टाचार्य देवधर जी, जो एक दूसरे बाजीराव पेशवे के दरबार में पूजा अर्चा करते थे और हैदराबाद के निजाम से दो पहलवान आ गए, उन्होंने चुनौती दी, उस चुनौती का स्वीकार करते हुए उन्होंने कुछ मदद मांग ली और नासिक जिले में सप्तशृंगी देवी है वहां जाकर कठोर अनुष्ठान किया और देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने एक लकड़ी के खंभे के ऊपर कुछ बजरंग बली आपको दांव सिखाएंगे ऐसे आशीर्वाद दिया और बजरंग बली ने उन्होंने एक लकड़ी के खंभे पे जो दांव दिखाए उनका उन्होंने अभ्यास किया और वापस पुणे में आकर उन्होंने जो अली और गुलाब जो पहलवान थे उसमें से अली का इतनी बुरी तरह से उसको पराजित किया कि गुलाब भाग गया, तो वहां से उनको मल्लखांब के आपदजनक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद भी बालमभट दादा देवधर मल्लखांब के प्रचार प्रसार में लगे रहे। उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई अखाड़े स्थापित किए। आज 200 साल के बाद भी वो अखाड़े जीवित है, वहाँ मल्लखांब है लेकिन मल्लखांब करने वाला कोई नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है। मुंबई से लेकर सूरत, सूरत से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद, देवास, ग्वालियर, उज्जैन, झांसी, वाराणसी और कानपुर, ये सभी रास्तों पर बहुत सारे अखाड़े आज भी जीवित है लेकिन इसका प्रचार मल्लखांब का महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हो गया। लेकिन इतने सालों से इसकी परंपरा होने पर भी इसको सरकारी मान्यता नहीं थी। हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसे देखा गया है, मानस शास्त्र का रिसर्च बोलता है कि जब हम भावनाओं के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन के विचारों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे ख्याल से मल्लखांब का यह एक बहुत बड़ा फायदा है कि सीखते सीखते करते करते ही ये हम सीख जाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा जो फायदा है, हमारे ब्रेन में जो फ्रंटल लोब होता है वो डिसीजन मेकिंग सेंटर है, प्लानिंग, गोल सेटिंग,
क्विक डिसीजंस ये फ्रंटल लोब की तरफ से होता है और मलखम की प्रैक्टिस में ये जो सब क्वालिटीज है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती है बिकॉज मलखम हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंटल लोब. कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता ही है, ये तो फायदे हमें बहुत सारे खेलों से मिलते हैं. लेकिन मलखम की यह स्पेशलिटी है कि हम अपने भावनाओं पर, हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं और प्लानिंग, गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं. किसी भी खेल में जो आवश्यक बेसिक एबिलिटीज है जैसे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, ये सभी का प्रशिक्षण मलखम्ब पर होता है जो कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज देता है. सारी विशेषताओं के बावजूद भी इस खेल को अभी तक की सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया था. कुछ दशकों पहले परिस्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी थी कि एक लेखक ने लिखा है, आधुनिक प्रचलन में मल्लस्तंभ को कुश्ती प्रशिक्षण का एक अहम अंग माना जाता है, परंतु यह अति महत्वपूर्ण कला बड़ी तेजी से नामशेष होने के कगार पर है. जब भी हमने केंद्र शासन में इसके बारे में पूछा था तो पार्लियामेंट में मार्गरेट अलवा जी उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कहा था कि मलखम फेडरेशन ने कुछ हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है और उसको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम उनको रिकग्निशन का विचार करेंगे, लेकिन तभी भी उन्होंने रिकग्निशन नहीं दिया था. और उन्होंने उनसे ये पूछा गया था कि मलखम जो अपना अंतर्देशीय पारंपरिक खेल है उसको विदेशों में ले जाने के लिए केंद्र शासन क्या कर रहा है, तो उन्होंने ये साफ साफ इनकार किया था कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बस उस खेल की फेडरेशन की जिम्मेदारी है. जब जापान जूडो के लिए, कोरिया टाइक्वांडो के लिए, मलेशिया सेपक टाइक्वांडो के लिए, चाइना वुशु के लिए, अपने अपने खेलों के लिए हर देश आगे कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश आज तक कहीं हुई नहीं थी. अभी ये मोदी सरकार गवर्नमेंट आने के बाद इसको बहुत अलग नजरिए से देखा गया और मलखम्ब को बहुत अच्छा बढ़ावा दे दिया है. मलखम को मान्यता भी नहीं थी, हमने बहुत सारे एमपी जो अलग अलग राज्यों के सांसद है उनको लेटर लिखे थे कि भाई ये मलखम अपनी पारंपरिक भारतीय कला है और इसको केंद्र शासन की मान्यता मिलनी चाहिए. ये सब खासदार जो थे एमपी थे उन्होंने केंद्र शासन को लिखा था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लिखा था, लेकिन मान्यता नहीं मिली थी. ये एक समय का चित्र था और आज चित्र ऐसा है कि मलखम को केंद्र शासन से बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छा एनकरेजमेंट मिल रहा है. उदय जी जैसे सम्माननीय प्रशिक्षकों के अथक प्रयासों के कारण मल्लखम का ये खेल भारत के कई राज्यों में फलने फूलने लगा. इतना ही नहीं तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाया गया. आज जापान से लेकर अमेरिका तक विश्व के 15 राष्ट्र इस खेल को स्पर्धात्मक स्तर पर खेलते हैं. जी, मैंने जब काम शुरू किया तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल कॉलेज में जाने वाला खिलाड़ी था. तो मैंने पहले मुंबई में हर जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन दिए, किसी कॉलेज का गैदरिंग हो, किसी सत्यनारायण पूजा हो, कहीं फेयरवेल पार्टी हो, हर जगह पर हमने मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन किया. मुंबई में एक दो तीन सेंटर्स थे तो 100 से ज़्यादा सेंटर्स आज मुंबई में हैं. फिर महाराष्ट्र के हर एक जिले में मैं गया था, हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मलखम्ब एसोसिएशन की स्थापना की, राज्य मलखम्ब संगठन को उसको एफिलिएट किया. फिर महाराष्ट्र के बाहर 29 राज्यों में जाकर वहाँ हर एक राज्य में भी यही किया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, कोचिंग कैंप्स लिए और वहाँ के स्टेट मलखम्ब एसोसिएशन निर्माण किया और वो स्टेट मलखम्ब एसोसिएशन भारतीय मलखम्ब महासंघ को एफिलिएट किया.
उसके बाद मैंने सोचा कि अपने यहाँ एक मेंटेलिटी है कि जो यहाँ का है उसका महत्व नहीं है, लेकिन बाहर से कुछ आया तो उसको लोग ज्यादा जानते हैं, ज्यादा चाहते हैं। अरे बीबीसी ने ऐसे कहा है, इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो मैंने फिर भारत के बाहर और देशों में जाकर मलखम का प्रशिक्षण देना, वहाँ मलखम सिखाने की कोशिश की, और 47 देशों में मैं आज तक गया हूँ और वहाँ मलखम का प्रशिक्षण दिया है। और ये नहीं कि सिर्फ मलखम एक खेल है, लेकिन वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। मलखम शुरू करने से पहले मलखम को नमस्कार करते हैं, और मलखम करने के बाद भी हम एक साथ नमस्ते करते हैं, जय हिंद कहते हैं। ये सब मलखम प्रशिक्षण की एक अविभाज्य भाग है, उसको घटक है। तो ये सब कल्चर हमने इतने देशों में किया, फिर मैंने सोचा था सब देशों के लोगों को हम एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करके उनको यहाँ बुलाएंगे। और 16-17 फरवरी 2019 में इसी शिवाजी पार्क मैदान में हमने एक फर्स्ट मलखम वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें 15 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें USA, UK, जापान, फ्रांस और मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और चेक रिपब्लिक, ऐसे बहुत सारे देश थे। और इन सभी देशों में फर्स्ट जो आ गई थी लड़की, जो पोल मलखम पे आई थी, शी वॉज फ्रॉम जापान, और दूसरी जो आई थी वो डेलिया सिरुटी, शी वॉज फ्रॉम इटली, और तीसरी लड़की आई थी वो महाराष्ट्र की, अपने समर्थ व्यायाम मंदिर की हिमानी पर्व। यानी महाराष्ट्र का मलखम है, भारत का मलखम है, लेकिन उसमें फर्स्ट प्लेस जापान को मिला, सेकंड प्लेस इटली को मिला, थर्ड प्लेस इंडिया को मिला। इतनी डेवलपमेंट वहां पर भी हुई थी। ये फिजिकल फिटनेस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, ये सब वहां के खिलाड़ियों में बहुत है। तो इसके लिए इसका प्रचार और प्रसार वहां करना चाहिए। तो अभी ये मलखम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गया है, इसकी विश्व मलखम फेडरेशन की स्थापना हुई है, जहां पर एडवोकेट कृष्ण कुमार, जो राजस्थान के भरतपुर के, वो इसके अध्यक्ष हैं। और ये सभी देशों ने मिलकर अभी सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो अगले साल ये USA में ऑर्गेनाइज होगी, थर्ड जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी वो मलेशिया में होगी। ऐसे इसका अभी एक उज्ज्वल भविष्य मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मलखम को फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट ऐसे कहा जाता है, और जहां पर ज्यादा रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, जहां पर ज्यादा जगह लगती नहीं है, जहां पर एक मलखम जो 25 साल 40 साल वही लकड़ी का खंभा चलता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्कूल लेवल में और बढ़ाना चाहिए। अभी हमारी कोशिश कामयाब हुई है कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मलखम को स्कूल गेम्स में इंट्रोड्यूस किया है। ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने भी मलखम को पोल मलखम लड़कों के लिए, रोप मलखम लड़कियों के लिए इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन ये दुर्दैव की बात है कि हमारे जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें अभी मलखम नहीं है। ये वीमेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, ग्रामीण क्रीड़ा महोत्सव, उसमें मलखम नहीं है। तो ये अपने भारत का खेल है, तो इसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जैसे NIS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये पटियाला में है, उसके अलग अलग सेंटर्स है, उसमें जैसे अलग और खेलों के प्रशिक्षण शिविर होते हैं, वैसे मलखम के भी प्रशिक्षण शिविर होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जब प्रशिक्षक बढ़ेंगे तो मलखम बढ़ेगा। हमने अभी बहुत कोशिश की है कि जैसे गायन विद्या में अलग अलग परीक्षाएं होती है, या
डांस में परीक्षाएं होती है या जूडो में कराटे में बेल्ट एग्जाम्स होती है, वैसे मलखम में भी कुछ ग्रेडेशन एग्जाम्स का हमने एक टेबल तैयार किया है, जैसे मलखम बिच्छू, मलखम प्रेमी, मलखम प्रवेश, मलखम कुशल, मलखम प्रवीण और मलखम विशारद, इसका सिलेबस तैयार किया है, एग्जाम कैसे लेनी है, मार्क्स कैसे देना है। तो ये लॉकडाउन के बाद में सब स्थिरता होने के बाद ये हर एक देश में, भारत के बाहर सभी देशों में इसी प्रकार से मलखम के सर्टिफिकेशन कोर्सेज का आयोजन होगा और मलखम को एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा। तो इसको गवर्नमेंट की ज्यादा से ज्यादा एक प्रमोशन हो, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। बाकी हमें बहुत खुशी है कि मोदी सरकार ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है, एनकरेजमेंट दिया है। वहां पर जहां जहां मलखम के अखाड़े स्थापित करना, मलखम के सेंटर्स करना, इसके लिए बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, मलखम के इक्विपमेंट के लिए, गद्दी के लिए या कोच के मानधन के लिए। और अभी द्रोणाचार्य अवार्ड भी मलखम को पहली बार इस साल मिला है, जो इतने सालों में कभी नहीं मिला था। और ये जो आज का निर्णय है कि सी क्लास में भी मलखम के खिलाड़ियों को नौकरी के लिए एलिजिबल करना, ये बहुत बड़ा कदम मलखम के लिए साबित हो सकता है। मलखम खिलाड़ियों के लिए एक उज्ज्वल भवितव्य सामने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।